सबसे पहले जो हिसाब लिया जाएगा वो लिया जाएगा नमाज का। नमाज की काउंटिंग होगी बकायदा। अगर मान के चलो यजदान की जिंदगी 75 इयर्स है और 10 साल में यजदान बालिग हुआ था, 65 इयर्स इंटू 5 इंटू 365 118,000 के आसपास जो भी आंकड़ा बनता है, उतनी नमाजें मैंने पढ़ी होनी चाहिए मेरी। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इसी चीज की काउंटिंग होगी। अगर ये पूरी हुई तो अच्छी बात है, तो आगे का मैटर देखा जाएगा। बट अगर इसमें कोताही हो गई, कम निकली, फिर मेरी नफल नमाजों को इसमें ऐड किया जाएगा। और अगर मेरी कोई नफल नमाज नहीं हुई, नफल नमाज को ऐड करके भी अगर मेरी नमाजें कंप्लीट नहीं हो रही, किताब को वहीं बंद कर दिया जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हिसाब ही नहीं होना। जो लोग बैठे हैं ना आराम से, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग कहते हैं हमसे सुबह उठा नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ सकते, बाद में पढ़ लेंगे, हमारा काम है, हमारी जॉब है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सब निकल जाना है। सबसे पहले अपनी नमाज की चिंता करो। नमाज पढ़ते हो तो तुम मुसलमान हो, नहीं पढ़ते हो तो पहली बात तो मुसलमान ही नहीं हो। हमारा हिसाब ही नहीं होना फिर। इस चीज़ का ध्यान रखो। अस्सलामुअलैकुम।